इंडिया आज तक की लाइव आपकी आवाज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से है। पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को दिए हैं। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से अभियुक्त श्यामू कोरी को षड्यंत्र के तहत फरार कराने के मुख्य आरोपी अभियुक्त विकास सिंह उर्फ आकाश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त अभियुक्त ने षड्यंत्र के तहत अभियुक्त श्यामू कोरी को पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार कराया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की गई। संवाददाता विपिन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद गोंडा कोतवाली नगर अंतर्गत जुडिशियरी परिसर से एक अभियुक्त 7 जुलाई को विचाराधीन कैदी था, जो न्यायालय परिसर से फरार हुआ था, जिसे बाद में पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ की गई और जो जानकारी मिली उसमें पता चला कि एक अभियुक्त अन्य दो अभियुक्त मोटरसाइकिल में उसको वहाँ से गेट से ले गए थे। इस पर जानकारी उसी के क्रम में एक अभियुक्त आकाश सिंह उर्फ विकास को आज गिरफ्तार किया गया है। ये हरियरपुर गांव का है, कमला नगर थाना सीतापुर का रहने वाला है। इसके विरुद्ध जनपद लखनऊ में थाना गुदम्बा में और यहाँ जनपद गोंडा में भी मनकापुर और नंदी बेगमगंज में पहले से भी मुकदमे लिखे हुए थे। इसके पास से एक अवैध असलाह बरामद हुआ है और वो मोटरसाइकिल जिसमें बैठा करके मस्जिद को जिन्हें कचहरी परिसर से बाहर किया गया था वो भी बरामद की गई है। और ये अंतर्राज्यीय अभियुक्त है, ये सीतापुर लखनऊ और जनपद गोंडा में इसका आपराधिक इतिहास है। इनके साथ में जो दूसरा था मैगी वैभव, उसे कल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये पूरे मामले में ये देखा गया कि सभी तीनों अभी पहले से जेल में थे और उसके शो श्यामू के कहने पर इस आकाश ने योजना बना करके और उसको असलाह प्रोवाइड किया था और मोटरसाइकिल प्रोवाइड किया था श्यामू को। और इस प्रकार से पूरे इस जो मोदी भगाने वाले प्रकरण में जो तीनों अभियुक्त थे, ये आकाश और मैगी वैभव और श्यामू, तीनों को